जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है पता है बेटा? एक बाप अपने कंधे पर अपने बेटे की अर्थी। रिकी को कोई उतनी निशान नहीं देगा। नून जितनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। पलक और विक्रांत कब तक ऐसे जिएंगे? इनकी दूरियां खत्म करनी होगी। I think you should move on. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? विक्रांत कितने करी? कैसे? पीलो। सांस अटकती तो कैसा लगता है मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। थोड़ा रुक रुक के भागा करो। बहुत अच्छे से जानते हो ना तुम मुझे, तो ये नहीं जानते कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम क्यों सोए हुए कोमा से क्यों नहीं वापस आ रहे हो? अब कोमा से बाहर आने का क्या फायदा होगा? कि अगर मैं नहीं उठा तो तुम मूव ऑन कर जाओगी, किसी और की पत्नी बन जाओगी। यू विल स्लीप विद हिम। शिट, सर पट रहा है मेरा। अलग तुम्हें भी हैंगओवर हो रहा है क्या? इस पेशेंट का केस भी ऋत्विक नून जैसा है। सेम काइंड ऑफ कोमा। दोनों हाई प्रोफाइल केसेस है ना? दोनों पर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोसीजर होगा। रिस्की है पर इसमें पेशेंट ठीक हो जाता है या तो हमेशा के लिए हैंडीकैप्ड। दोनों को जीके वाली ब्रांच पे शिफ्ट करना है। डीबीएस का प्रोसीजर वहीं पर होता है। okay. पर ऋत्विक नून का सवाल है सो इसलिए सीधा जाकर विक्रांत सर से कंफर्मेशन ले लो। okay. ऋत्विक नून को आज शिफ्ट करना है या दूसरे पेशेंट को? कंफर्मेशन पर विक्रांत सर के सिग्नेचर्स होने जरूरी है। सो वी कैन टेक एनी चांस। ओके। ओ माय गॉड। डॉक्टर? यस डॉक्टर एरिक, वी आर एंग्शियसली वेटिंग फॉर यू। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इज पॉसिबल इन इंडिया बट यू हैव डन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसफुल प्रोसीजर्स इन द वर्ल्ड। वी रियली नीड योर एक्सपर्टीज। इट्स रित्विक्स केस, इट्स वेरी पर्सनल फॉर मी। It can't go wrong. I have been reading the patient's case. There are chances he may heal, but you know the risk, right? So I was saying, let me perform some test first. Hello? Hello, Vikrant? Are you there? तुमने कल का होमवर्क क्यों नहीं किया? टीचर डांटेगी फिर। मेरी मेडिसिन्स और पानी ला दो। पकड़ के बताओ अभी कैसे? अबे! Oh, I'm so sorry, man. I'm so sorry, bro. So sorry, bro. पकड़ लिया। हाँ, एक मिनट। हाँ बेटा, अबे फोन आ रहा है। हेलो सर, मैं खान मार्केट हीलवेल ब्रांच से डॉक्टर बोल रही हूँ। सर आपकी कंफर्मेशन चाहिए थी अबाउट शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट। एक सेकेंड। विक्रांत, वो किसी का फोन है, रिकी के बारे में कुछ कह रहे हैं। हाँ, वो डॉक्टर से मेरी बात चल रही थी। हेलो सर, फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन वी हैव टू टेक द पेशेंट्स टू। यस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन विल बी आइडियल फॉर ऋत्विक। ऋत्विक हैज टू हील फास्टर। ऋत्विक नून, राइट? यस, टिल ऑलवेज बी ऋत्विक नून। ओके सर। डीपीएस इज अ रेस्क्यू ऑपरेशन। आई होप सब कुछ अच्छे से हो जाए। भैया एक जूस दे दो ना प्लीज। थैंक यू। Yeah.
हम दोनों भी कुछ एक्सरसाइज कर ले। पुशअप। इससे पहले एक बार पकड़े जाते जाते बच्चे। पिटना है तुझे? इस बार छुपा लूंगा। मैं तो ऑलवेज गलत आस रहा हूँ। विक्रांत और शिवम कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। विक्रांत और पलक का कुछ करो, सच्ची बोल रहा हूँ। एक जूस देना। अरे वो शिवम और अनन्या। दादी आपके हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं तो तारी है, चश्मा पहन लो। अरे नीचे से देखा तो अनन्या, ऊपर से तारी, ये क्या 3D इफेक्ट है? फीपी। अरे भैया जूस जल्दी बनाइए आप, दादी थक गई है थोड़ा। ये सब क्यों पूछ रहा है तू? बस जा। अरे जल्दी दे भाई। बताएगा कि क्या हो रहा है? सेतु, वेट, तुझे इतनी जल्दी होती है ना पलक और विक्रांत के बारे में जानने की? पर ये पलक ने स्टोल क्यों पहना? उससे क्या? अबे, she is hiding hickeys. हिकीज छुपा रही है वो। And विक्रांत is also awkward, है ना? मतलब कुछ तो जरूर हुआ है दोनों के बीच। I think पलक ने विक्रांत को एक्सेप्ट कर लिया है। I know. ये iPad dad को दे। 6 का टेबल। विक्रांत को आईपैड दे दो। नहीं, रख। I don't think so. अरे यार, इतने aphrodisiacs डाले थे ड्रिंक्स में, तब भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे तो बिल्कुल यूज़लेस है यार। थैंक यू। अच्छा एक काम करो, ये मम्मी को दे दो। बॉक्स? बॉक्स? तुझे लगता है इसमें सेक्सी लॉन्जरी है? क्या फिर रिंग भी हो सकती है? क्या हो गया? अरे इनका साइंस प्रोजेक्ट है, इंसेक्ट बॉक्स बनाने के लिए कहा था। We have to take it to the school. मैं डर गई। ये नहीं हो पाएगा। हाँ, forget it. Right. वो मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वो लेट हो रहा है। It's a miracle. What? ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर हुआ क्या है? Ritwik opened his eyes. What? आइए सर। Ritwik कहाँ है? Ritwik कहाँ है? He was out of coma. 2 साल कोमा में रहने के बाद वो अचानक खड़ा हुआ और चल दिया। अरे ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है। जाओ जाके चेक करो। विक्रांत, we need to talk. कल रात के बारे में। उसके बाद कब आग लग गई मुझे कुछ याद नहीं है। अलग। I was not in, अलग कल रात में थोड़ा ड्रंक था, सो मैंने भी नहीं। Ritwik, I mean विक्रांत। पलक तुम कल से मुझे 2 बार Ritwik। Guess what? I think they both did it. But दोनों accept ही नहीं कर रहे। Great. At least ice तो break हुई। हाँ। Now they wanted more. Bye. Bye, भाभी। Great news. Palak has finally accepted Vikrant. कल रात को दोनों साथ में ही थे, baby. Wow. Great news. जिनके बीच में कुछ नहीं था, उनका भी हो गया।
रोहित यार, तुमको पता है ना बच्चों को संभालते संभालते क्या हाल होता है मेरा। अच्छा सुनो, tonight we'll make it special, हाँ? बोलो ना। मुझे टीचर ने सी दिया है, उन्होंने कहा तुम्हारा सोलर सिस्टम लड्डू और ड्रोन के जैसे दिख रहा है। ये तुमने बनाया था ना इसके लिए? सी मिला है इसको, क्या किया यार? ऋत्विक है? ऋत्विक has been shifted to GK branch. किससे पूछ के तुमने ऋत्विक नून को जीके ब्रांच में शिफ्ट किया है? किससे पूछ के? सर पर उन दोनों पेशेंट्स पर तो डीबीएस प्रोसीजर होना था ना? अरे वो दूसरे पेशेंट्स पर होना था, ऋत्विक नून पे नहीं। ऋत्विक नून को एग्जामिन करने के लिए यूएस से डॉक्टर्स आ रहे हैं और ऋत्विक नून पे विक्रांत सर का पर्सनल अटेंशन है, तुम्हें खबर भी है? सर बट विक्रांत सर ने खुद परमिशन दी थी। इससे पहले कि ऋत्विक नून पे प्रोसीजर हो, जाके जीके ब्रांच पे इन्फॉर्म करो और ऋत्विक नून की फैमिली को भी। गो। लेकिन तुम लोगों ने मिलाना क्यों चाह रहे हो? Why you guys scheming? क्यों वो भाभी और वो पराया मर्द एक कमरे में क्यों कर रहे हो? क्यों किया ये? Why did you do that? इसको क्या हुआ? सुन, ये कोई टीवी शो नहीं है, हमारी घर की बहू, इतना मत सोच। वैसे भी पलक को अपनी नई लाइफ संभालनी होगी, and it's a legal marriage, they've been married since a year now. भाई आप बताओ ये सही कर रहे हैं? शिवी यार ये उनका पर्सनल मैटर है, सो हम लोग। I knew it। आप ना रीवा दी के डर से बस उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो। ओए। Behave yourself। इसे ना कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। शिवम you are very mature। और लुक्स क्या कहते हैं कि एक यंग लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए। What? Just saying it in general, मतलब लोग कहते हैं ना, guys, I know this is their personal matter. लेकिन पलक भाभी ने विक्रांत से एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और हम बस उन्हें क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? आई एम डन गाइस, मैं जा रही हूँ। शनाया, लेकिन जब भाभी उनसे मिलना ही नहीं चाहती तो क्यूपिड क्यों बनना है तुम्हें? तेरा क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर मैं क्यूपिड बनूँ तेरा क्या प्रॉब्लम है? क्यों? मैं कुछ नहीं बोल रही, वो सही है। शिवम, पलक इज अ मैरिड वुमन और वो पहली बार अपने हस्बैंड के साथ क्लोज आई, तो व्हाट्स द मैटर? जॉन प्लीज ट्राई टू जॉन डिड ही से जॉन कौन जान शिवम? गाइस एक्सक्यूज मी गॉड। शिवम तुम क्या चाहते हो कि पलक एक वीडियो की तरह लाइफ जिए? नो यार। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? पलक क्या विक्रम? कूल डाउन। पता नहीं हॉस्पिटल से क्या लेटर आया है, वो स्टाफ कह रहा है कि ऋत्विक को शिफ्ट कर देंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। बहन भाई, अब कितना प्यारा भाई बहन का रिश्ता है। नहीं हाँ बाप भाई बहन राइट। गाइस बी कॉशियस यार, पकड़े जाना है क्या? बट ये पा इतने टेंस जा कहाँ रहे? पलक विक्रांत के पास। ये बाथरूम की लाइट खराब हो गई है क्या? वो हॉस्पिटल से बहुत सारे कॉल्स आए हैं। I'll take it later. 20 मिस्ड कॉल्स हैं। कुछ अर्जेंट भी तो हो सकता है ना? पलक मुझे हॉस्पिटल से दिन में 40 कॉल आते हैं। सारे कॉल ऋत्विक से। शर्ट लेनी है मुझे। अरे बेटा विक्रांत, वो आई एम सो सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बाबा जी, आइए ना। क्या हुआ? लिसन आई नीड। ओ हेलो, विदाउट शर्ट क्यों घूम रहे हो? ओए बदतमीज, नॉक करके नहीं आया? आपने नॉक किया था क्या? तो आपसे सवाल पूछ रहा है? वो सब छोड़ो पा, ये बिना शर्ट के क्यों घूम रहा है? भाभी है सामने। ओ भाभी तेरी होगी, उसकी बीवी है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? माय प्रॉब्लम इज दिस कि जब भाभी सामने हो तो कपड़े पहन के घूमा करो।
ये बच्चों की तरह बिहेव करना ना तुम बंद कर दो। एक मिनट, we have more important things to discuss. हॉस्पिटल से लेटर आया है, वो कह रहे हैं कि ऋत्विक को शिफ्ट करना है और तुमने वर्बल कमिटमेंट दिया है और वो जल्द से जल्द ऋत्विक पर डीबीएस प्रोसीजर करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी साइन लगेगी। What? ऋत्विक को शिफ्ट नहीं कर सकते, कल डॉक्टर्स आ रहे हैं यूएस से और वही डिसाइड करेंगे कि प्रोसीजर करना है या नहीं। हेलो, हमने ऋत्विक सर को डीबीएस प्रोसीजर के लिए जीके हॉस्पिटल ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है। What? क्या कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। I don't understand, इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे? What do you mean, मैंने फोन पे हाँ कहा था? Did I approve it on papers? इतने responsible कैसे हो सकते हो? So careless, वो क्यों बोल रहे कि तुमने approve किया है? अलग मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? तुम डॉक्टर से बात करो मेरी। Just ask, ऋत्विक सेफ है या नहीं? अलग, वही कर रहा हूँ ना। जाओ वहाँ पे और बात करो। जब यूएस से डॉक्टर्स आ रहे थे तो ऋत्विक को क्यों शिफ्ट किया? Like, I'm sorry. वहाँ पे किसी और का ऑपरेशन होने वाला था और ये सब कंफ्यूजन हो गया। I'm telling you guys, ये कंफ्यूजन इसने जानबूझ के किया। शिवम, जब तक मैं ऋत्विक को नहीं देखूंगी ना मुझे शांति नहीं मिलेगी। प्लीज प्लीज टेक मी टू हिम। सुनानी भाभी ने क्या कहा? हमें इसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। Where is Ritwik? What? रोकने के लिए कहा था ना मैंने? कहा था ये सब इसका प्लान है, ये यही चाहता था। Stop immediately! आपने मुझसे पर्सनली कंफर्मेशन लेना जरूरी नहीं समझा? नर्सेस के कहने से ऑपरेशन करेंगे आप? Hello, acting मत करो। ये सब तुम्हारा प्लान था, राइट? जाओ यहाँ से। विक्रांत, Ritwik कहाँ है? अगर रिकी भाई को कुछ भी हुआ ना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। शिवम प्लीज चुप हो जाओ, वो बात कर रहा है ना। भाभी मुझे इस पे इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। वो तुम्हारे भाई के बारे में ही पता कर रहा है, प्लीज। हाँ आपको तो बहुत ट्रस्ट आ गया ना इस पर कल रात के बाद। Ritwik, विक्रांत नाम है मेरा। Ritwik, मैं जानती थी कि तुम मेरे इस दिल की धड़कन बनकर मेरे पास लौटकर जरूर आओगे। आई न्यू इट, क्योंकि मेरे लिए दिल ही सब कुछ है। थैंक यू ऋत्विक।